हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे जो हमारा 12 जनवरी को 12 PPS के कुछ इशू साइन किए गए हैं अकॉर्डिंग टू UFBU कि मतलब सेटलमेंट ही साइन कर लिया गया, कुछ इशू पेंडिंग है। तो उसमें एक PDF जो यूनियन के थ्रू रिलीज़ की गई थी उसमें ओवर टाइम का मेंशन है। तो आज ओवर टाइम के बारे में बात करेंगे, जो क्लर्कल को ओवर टाइम दिया जाता था। तो यहाँ पे जो ओवर टाइम का फॉर्मूला चेंजेस किया गया है, फर्स्ट PPS में ओवर टाइम वो किया गया था इम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे जो फार्मूला है, पहले फार्मूला ये होता था कि लिखा हुआ है, तो फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग अमाउंट पेबल फॉर ओवर टाइम द एक्सप्रेशन इमोल्यूमेंट सेल मीन एग्रीगेट ऑफ बेसिक स्पेशल अलाउंस ओपेसिटी अलाउंस एंड डियर अलाउंस। मतलब ये चारों का आपको मिला के ओवर टाइम दिया जाता था। और जो अब फार्मूला चेंज किया गया है इस बाय पर सेटलमेंट में 12 PPS में, वो किया गया है द एक्सप्रेशन इमोल्यूमेंट सेल मीन एग्रीगेट ऑफ बेसिक पे स्पेशल पे PQP स्पेशल अलाउंस HRA एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस को मिला के जो आपका बनेगा वो दिया जाएगा। अब ये फार्मूला चेंजेस करने का पता नहीं क्या हुआ, जो भी लॉजिक बनता है, क्योंकि एक्चुअली में तो कभी ओवर टाइम दिया ही नहीं आता था। रियली कभी कुछ ऑफिशियली होता है तब मे भी दिया गया हो कभी, बाकी मेरे हिसाब से तो मैंने जब से देख रहा हूँ तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि क्लर्कल को ओवर टाइम दिया जाए, क्योंकि ऑफिशियली बैंक बोलता नहीं रुकने के लिए, वो तो लोग ब्रांच में या मैनेजर के प्रेशर के कारण रुकते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस की जा रही है कि जो एम्प्लॉय हैं क्यों CVS में काम करते हैं, ये बहुत अच्छी बात लिखी है। सिंस एम्प्लॉय आर वर्किंग CVS एंड इन बायोमेट्रिक सिस्टम, तो ओवर टाइम वेज टू बी पेड बेस्ड ऑन द टाइमिंग एज अवेलेबल इन द सिस्टम। तो अगर ऐसा हो जाता है कि जैसे हम जितने बजे हम जाते हैं बायोमेट्रिक लगाते हैं 11 बजे से, अगर 6.5 घंटे का टोटल आवर है, अगर लंच को इंक्लूड कर लेते हैं 6 बजे तक, और इसके बाद ऑटोमेटिक हमारा जो सिस्टम है, क्योंकि हमारे वर्किंग आवर और CVS में कैलकुलेट हो जाएंगे, तो उसके हिसाब से हमको ओवर टाइम दिया जाना चाहिए। अब इसमें कई बार इशू ये बोल सकते हैं कि लोग जानबूझ के रुकेंगे लेट, तो इसमें कुछ सिस्टम में ऐसा करना चाहिए कि ऑटोमेटिक जितना हमारा काम है 6:30 बजे तक, उसके पहले उसके बाद हमारा सिस्टम बंद हो जाए या फिर हमारा आइडियल आउट हो जाए। तो अगर फिर BM या मैनेजर के थ्रू मतलब ऐसा कुछ हो रहा है तो वो फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो आईडी वहाँ पे चालू करेंगे। ऑटोमेटिक उसमें ओवर टाइम कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होना चाहिए टाइमिंग के हिसाब से। अगर ऐसा हो जाता है तो ये काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा होगा क्लर्कल के लिए। अब आप लोग अपना सजेशन दिए कि मतलब ऐसा हो जाए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि 12 PPS में और कुछ तो सही इशू दिखा नहीं है, एक चीज़ बस यही चीज़ सबसे सही लग रही है कि अगर ओवर टाइम का फार्मूला हो जाता है और हमारे सिस्टम के हिसाब से, हमारे CVS के हिसाब से अगर फार्मूला कैलकुलेट होती है ओवर टाइम की, तो काफ़ी अच्छा होगा क्लर्कल के लिए। थैंक यू दोस्तों।